साथ हूं मैं आयुषी नेगी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल बस और ट्रक की टक्कर में आग लग गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। गांव 5 के पास नेशनल हाईवे की घटना फिलहाल बताई जा रही है। तो कुछ ही देर पहले ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें अब ये सूचना मिल रही है कि कई लोगों की इसमें मौत हो गई है और मौके पर फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम दमकल की गाड़ियां, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये हादसा हुआ, किस तरीके से ट्रक और बस की भिड़ंत होती है और भिड़ंत के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग जाती है। तो गांव 5 के पास नेशनल हाईवे की ये घटना फिलहाल बताई जा रही है। 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ तब बस में यात्री सवार थे। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्थानीय संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं फिलहाल, अगर अपडेट की बात की जाए तो अपडेट फिलहाल क्या मिल रहा है पूरी खबर पर? जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये सूचना प्रशासन को पहुंची तो उपखंड अधिकारी पवन कुमार, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहित छाबड़ा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई सहित अन्य प्रशासन भी मौके पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। जी। आपको बता दूं कि उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और वह बुरी तरह झुलस गया था। बाकी बस में बताया जा रहा है कि 3 अन्य सवारियां थी जिनकी मौत हो चुकी है, मगर अभी तक आधिकारिक रूप में इनकी पुष्टि नहीं हुई है। जी दीपक, 4 लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बता रहा हूँ कि जैसे ट्रक ड्राइवर की पुष्टि हो चुकी है, खुद उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बस के अंदर 3 सवारियां ऐसी हैं जो जलकर खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, मगर उनकी आधिकारिक रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी आयुषी। जी दीपक, अगर इस पूरे हादसे को देखें तो किसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और कारण क्या बताया जा रहा है, कैसे जो ये आग थी ये लगी दोनों वाहनों में, कारण फिलहाल क्या कुछ अभी तक सामने आ रहे हैं? जी आयुष्मा, आपको बता दूं कि बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है और किस कारण से आग लगी है अभी तक इसकी पुष्टि या आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पूरा प्रशासन आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है और जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन लोग इसमें घायल भी हुए हैं। जी तो चलिए, इलाज के लिए प्रशासन अभी प्रयासरत है। चलिए बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से जानकारी दीपक दे रहे थे कि प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बस प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो ये आग लगी है इस पर काबू पाया जाए, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और कई लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है।